आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी बसंत का पार्ट 3 बस की यात्रा, जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बताया था, तो आज मैं उसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाऊंगी। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर देखिए, बस के टायरों की स्थिति का पूरी तरह से ज्ञात होने पर भी हिस्सेदार साहब अपनी जान हथेली पर रखकर उस बस में यात्रा कर रहे थे। बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं और मिल पाना अत्यंत कठिन था। यही कारण था कि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति अपार श्रद्धा भाव जाग उठा। प्रश्न नंबर दूसरा, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर है, लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को शाम वाली बस में यात्रा ना करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि बस अत्यंत पुरानी थी, उसका कोई भरोसा नहीं था, वह कल चलते चलते रुक जाए। कुछ लोग तो शाम वाली इस पुरानी बस को डाकिन कहकर संबोधित करते थे। इन्हीं कारणों से कोई भी व्यक्ति शाम वाली बस में किसी को भी यात्रा न करने की सलाह देता था। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर है, लेखक के बस के अंदर बैठने के कुछ देर बाद इंजन चालू हुआ तो ऐसा लगा मानो सारी बस ही इंजन के समान धक धक कर हिलने डुलने लगी हो। लेखक यह सोचने पर विवश हो गया कि वह बस में बैठा है या इंजन के अंदर। सारी बस पूरी तरह से हिल रही थी, जो उसकी सोच को पूर्णतः सच कर रही थी। प्रश्न नंबर चौथा है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर है, लेखक ने यह हिस्सेदार साहब की बात सुनी कि यह बस अपने आप चलेगी तो उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि बस बहुत अधिक पुरानी हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, उसका प्रत्येक कलपुर्जा हिल रहा था। प्रश्न नंबर पाँचवा है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर है, लेखक के मन में चल रहा था कि न जाने कब कौन सा पेड़ आकर बस से टकरा जाए या बस किसी से ना टकरा जाए, यही सब बातें सोचकर लेखक पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था। अब देखिए पाठ से आगे, प्रश्न नंबर पहला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध किताबों के आधार पर लिखिए। उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 ईस्वी में दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ। इसका प्रथम चरण सन 1931 ईस्वी में समाप्त हुआ। दूसरे चरण का आरंभ सन 1934 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजी सरकार भारतीय जनता पर अत्यधिक अत्याचार कर रही थी। इस अत्याचार से जनता अत्यंत पीड़ित एवं दुखी थी। सन 1919 ईस्वी में एक अधिनियम चालू हुआ जिसके शासन में कोई स्थान न मिला। इस बात से भारतीय जनता के मन में अत्यधिक रोष हो गया। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से के पश्चात अंग्रेजों द्वारा कुछ ऐसे कानून और अधिनियम भी पास किए गए जो भारतीय जनता एवं उनके हितों के लिए थे, अनुचित एवं हित विरोधी थे। इस प्रकार के कानूनों का विरोध होना स्वाभाविक था। सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आया। उसने इस कमीशन का काम यह देखना था कि भारतीयों को कौन कौन से अधिकार देने चाहिए और कौन कौन से अधिकार नहीं देने चाहिए। कोई सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीय जनता एवं नेताओं ने इस कमीशन का भरपूर विरोध किया। 1929 ईस्वी में कमीशन ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया जिससे देश में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह की लहर दौड़ फैल गई। महात्मा गांधी ने ऐसे वातावरण को ध्यान में रखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया।
अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। उत्तर है, सविनय अवज्ञा का आंदोलन व्यंग्यकार ने बड़े ही आकर्षक ढंग से किया है। लेखक बस पर व्यंग कसते हुए टिप्पणी करते हैं कि हमें लगा यह बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अवश्य जवान रही होगी, उसे पूरी तरह से प्रशिक्षण मिल चुका था, बस का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे की ओर भागी जा रही है, कुछ दूर चलने पर सारे भेदभाव समाप्त हो गए। तो आपको प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा तक ही लिखना है, बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो आपको नहीं लिखने हैं अभी। तो आप जहाँ तक मैंने टिक लगाया वहाँ तक आप करके कॉपी में भेजिएगा। धन्यवाद।